खबरों के साथ। गुजरात के हजीरा में होवित्जर गन निर्माण इकाई आर्म्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की K9 वज्र की सवारी। नवसारी में कैंसर अस्पताल और सिलवासा में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला समेत कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लाखों समस्याओं के हैं करोड़ों हल। मुंबई में राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के उद्घाटन पर संबोधन, कहा पायरेसी रोकने के लिए नियमों के संशोधन की दिशा में काम कर रही है सरकार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा अफ्रीका की भारतीय विदेश आर्थिक नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में पहली बार मनाए गए अफ्रीका दिवस समारोह में 50 अफ्रीकी देशों के मंत्री और प्रतिनिधि हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद को बताया सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक। टीएमसी की अगुवाई में कोलकाता में हुई विपक्षी दलों की रैली में जुटे 14 से ज्यादा राजनीतिक दलों के नेता। बीजेपी ने रैली को बताया विरोधाभासों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के महागठबंधन की कोशिशों को बताया देश की जनता के खिलाफ। और मुसाफिरों के लिए रेलवे की नई सौगात। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सेंट्रल रेलवे के लिए पहली राजधानी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। मुंबई से दिल्ली का सफर 20 घंटे में होगा पूरा।